चौहान जी, बाबूलाल केवट जी, मदन चौहान जी, प्रभु राम केवट जी, धर्मेंद्र बिंद जी, मणिचंद्र बिंद जी, पवन बिंद जी, वीआईपी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र बिंद जी, राम आशीष प्रसाद जी, इस प्यारे लाल चौहान जी, विजय चौहान जी, इंद्रदेव बिंद जी, विनय चौहान जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण इस सभा में उपस्थित, बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन अपल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, कहने के लिए तो ये आम चुनाव है, लेकिन ये आम चुनाव जो है ये खास चुनाव है साथियों। इसलिए खास है कि देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है, वो देश को युवा के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, ये देश की आजादी दिलाने के लिए आपके और हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका और हमारा है, ये देश है साथियों। इसलिए देश के लिए, हम सभी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। जब ये देश आजाद हुआ तो देश में एक लोकतंत्र आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिए ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश आजाद हुआ और हमारा देश बहुत आगे निकल रहा था, लेकिन 2014 में एक आए और आपको बड़े बड़े सपना दिखाए, आपसे बड़े बड़े वादा किए। वो क्या वादा किए, सपना दिखाए? उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लेके आओ, हम हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपको लगा कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी मिलेगा, आप उनके झांसा में आ गए। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, हम सरकार में आएंगे तो विदेश से काला धन लाएंगे और हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। आपको लगा कि घर बैठे बैठे 15 लाख रुपया आ जाएगा और आपने उनके झांसे में आ गए साथियों। आज देखिए, हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, हमारे युवा को जवानी निकल रहा है, हमारे युवा को शादी नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी वो आपसे मौका मांग रहा है कि हमको एक बार और मौका दे दीजिए, हमको एक बार और मौका दीजिए, हम फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मोदी जी, आप 75 साल की उम्र में जिस समय में हरे रामा हरे कृष्णा जपना चाहिए, उस समय में आपको देश को चलाना है, और हमारा देश का युवा क्या करेगा? मोदी जी एक योजना लाए, क्या? अग्निवीर योजना, जिसमें हमारे युवा भाई जो है वो सेना में बहाली होंगे और देश के बॉर्डर पे जाके अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो योजना में क्या है कि 18 साल की उम्र में आप अप्लाई कीजिए और सेना में भर्ती होइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए, यानी कि सिर्फ 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी कि कोई भी लड़का आज की तारीख में 24 साल 25 साल के बाद शादी करते हैं, वो 22 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, ना ही उनको पेंशन मिलेगा, ना ही सेना में शहीद हुए तो ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो 22 साल में रिटायर हो जाए। लेकिन 75 साल के बाद मोदी जी उनको मौका चाहिए। तो इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। आज आपने देखा किस तरीके से योजना बनाए, आप हमें चंदा दो और हम आपको धंधा देंगे। आपने देखा ना, एक बॉन्ड के बारे में जहां आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े उद्योगपति को करोड़ों का काम दे देना, ठेका दे देना है, 10 रुपया काम 15 रुपया में दे देना है और उससे चंदा लेते रहना है। जो चंदा ना दे उसको ईडी का सीबीआई का नोटिस भेज देना है ताकि वो डर कर हमको चंदा दे दे साथियों। इसलिए साथियों, ये देश में लोकतंत्र नहीं है, मोदी जी राजतंत्र लाए हैं। इसलिए हम सभी को
लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना है, हम सभी को लड़ाई लड़ना। आप देखिए देश में दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। देश के लिए साथियों, हम सभी को देश के बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने देखा सुना होगा 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा अपने सांसद से कि तुम लोग एक गांव को गोद ले लो। उनके सांसद से एक गांव नहीं सुधरा साथियों, एक गांव नहीं सुधरा। आज जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो गांव का जिक्र करना छोड़ दिया। आप बताइए ये भाजपा वाले से या उनके सांसद से एक गांव नहीं संभल रहा है तो हमारा देश कैसे संभलेगा साथियों, ये देश कैसे संभलेगा। इस देश में वो नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, भाई को भाई से लड़ाना चालू करेंगे, लेकिन वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ ताकत है, हमारे पास संविधान है, हम संविधान के रास्ते पे चलकर पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों। आज बताइए लालू जी के विचारधारा पे बिहार में सरकार बना था कुछ महीने के लिए, 17 महीने के लिए। नीतीश कुमार जी महागठबंधन से आकर सरकार बनाए, आपने देखा कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हुआ, आपने देखा कैसे हमारे जाति आधारित गणना किया गया जिसमें एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा सबका आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया साथियों, सबका आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उसके बाद आपने देखा कि पूरे बिहार में 5 करोड़ 5 लाख युवा को सरकारी नौकरी मिला साथियों, इसलिए क्योंकि वो लालू जी का विचारधारा का सरकार था। इसलिए साथियों मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़िए। हमारे वीआईपी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और आपका अपना वोट अपने प्रत्याशी के लिए बहन अर्चना कुमारी तो एक एक वोट अपने लालटेन पे डालने का काम कीजिए, एक नंबर पे बटन दबा के। इसलिए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना के साथ धन्यवाद। अब आपके सामने कल का भविष्य युवा नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, युवाओं के मान और सम्मान, युवाओं के मान और सम्मान अब आपके बीच आ रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आज सिकंदरा में चुनावी जनसभा में उपस्थित जमुई जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष त्रिवेणी यादव जी, मंच पर उपस्थित एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल के कारी सोहेब साहब जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी, अजय प्रताप जी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी, मोहम्मद इरफान जी, बुद्धू राजम साहेब जी, बबलू यादव जी, रामविलास यादव जी, शिव कुमार यादव जी, मुकेश जी और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी वीआईपी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्तागण नेतागण पदाधिकारीगण और सिकंदरा की महान जनता हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं और सभी नौजवान युवा को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए आज आप लोगों के बीच आए और आप लोग जानते हैं चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का और इस बार महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी जो है लालू जी ने अर्चना रविदास जी के हाथों में लालटेन थमाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिकंदरा की जनता जो है भारी बहुमत भारी मतदान लालटेन पर बटन दबा करके अर्चना रविदास जी को जिताएंगी और इंडिया गठबंधन
और लालू जी के हाथों को मजबूत आप लोग कीजिएगा। हम लोग मोदी जी का बात करने नहीं आए, हम लोग मुद्दे की बात करने आए। हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व बनता है कि हम सवाल उठाएं, अपनी बात को रखें और प्रधानमंत्री से सवाल करें। जितना विपक्ष का ही अधिकार है, उतना आम जनता का भी अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि आपने 10 साल तक जो है क्या किया है। आप हिसाब दीजिए, हम लोगों ने जो है, भाई सुनो, नहीं सुनोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हो गया, सुन लो, समझ लो, पहले तुम्हारे हित के बारे में बात करने आए हैं आप लोग। ए हट जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दीजिए ना, हटिए आप लोग, जाइए, ए ए हटो, चलो बैठ जाइए ना, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, कोई नहीं उठे। ए विजय जी बैठिए ना, भाई आप बैठिए, आप भी तुरंत तुरंत सुनिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है नौजवान भाइयों का, बताओ तो जरा। कितने लोग यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए, और यहाँ कितने लोग किसान हैं, वो भी हाथ उठाइए। आप एक किसान वर्ग से हम सवाल पूछेंगे और एक नौजवान वर्ग से पूछेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था जब पिछली बार आए थे, तो आप तो 5 साल बाद चुनाव में ना आए हैं, इससे पहले भी चुनाव में आए थे। आप लोग बताइए नौजवान भाई, मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो है वो देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? क्या आप जानना नहीं चाहते मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी? अरे मोदी जी, जब तू आयल रहा तो आपने पिछले चुनाव में ही कहा था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को हर एक साल नौकरी देगा। किसान भाइयों को क्या बोला था मोदी जी ने, कि 2022 तक सभी किसान भाइयों का जो है आय दुगुना कर देंगे। अभी हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, इससे पहले हम सड़क से घूम के गए, देख रहे हैं अभी कटनी चल रहा है, लोग फसल काट दिए लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बताइए किसान भाई, आप जो दिन रात पसीना बहा के लू में भी काम करते हैं, आप अन्नदाता हो, पूरे देश का पेट आप लोग भरने का काम करते हैं, और यही मोदी जी ने कहा था कि उचित फसल का दाम देंगे, हर किसान भाइयों का 2022 तक आय को दुगुना करेंगे, एक काम हुआ। क्या बोलते थे मोदी जी, हम तो काला धन लेके आएंगे, विदेश में पड़ा हुआ है, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या हुआ? अरे मोदी जी जो है भाजपा पार्टी के हैं, और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। अब मोदी जी झूठ बोलने में माहिर आदमी है, थाली में गोबर रखेंगे, बोलेंगे खा लो हलवा है, अखवा फोड़ देंगे, फिर चश्मा दे देंगे, बोलेंगे देखो हमने चश्मा दे दिया है। यहाँ नौजवान सब कर रहा है, बोल रहा अग्निवीर, अग्निवीर योजना में हम लोग सब नौजवान सब तैयारी करता है, माँ बाप का मेहनत लगता है, पेट काट के बाल बच्चे का पढ़ाता है कि नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए। अग्निवीर योजना में 4 साल यानी 22-23 साल के होते होते आपको हटा देगा, केवल 4 साल रखेंगे सेना में, बाली में। और आप बताओ, बैठो, आप लोग बताइए कि भाई जब कोई हमारा भाई सेना में बॉर्डर पे जाता है, हम लोगों की रक्षा खाते हुए शहीद होता है,
तो ये अग्निवीर योजना में मोदी जी ने शहीद का दर्जा भी नहीं दिया है, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। पेंशन मिलता, पेंशनों नहीं मिलेगा। कैंटीन का व्यवस्था होता है हर आर्मी के जवानों को, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कौन सा योजना भाई, और चार साल के बाद क्या करेगा नौजवान? तो मोदी जी ने जितने वादे किए सब खोखले। अर्चना रविदास जी लोकल कैंडिडेट हैं और जमुई को प्रधानमंत्री जी ने प्रयोगशाला बना दिया, खाली बाहरी को टिकट दिए रहे। बताइए बाहरी का लोग को टिकट मिला कि नहीं मिला? मोदी जी हमको बोलते कि परिवारवादी है तेजस्वी, तो चिराग पासवान क्या है भाई? अब चिराग पासवान जी ने अपने जीजा जी को टिकट दे दिया है। वो जीजा जी का उनके मेहमान है, लेकिन आप लोग को पता भी है कि उनका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं? अर्चना रविदास तो लक्ष्मीपुर की है, झाझा में पड़ता है घर। और इस बार पहली बार हम लोगों ने लोकल उम्मीदवार दिया है। 15 साल 20 साल से आप लोग जिता रहे हैं भाजपा को, एनडीए को। राज्य में सरकार है 17 साल उन लोगों की, 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, फिर भी गरीबी नहीं मिटा पाए, तब भी बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, तब भी जो है आप देखिएगा किसानों का आय दुगना नहीं किया, महंगाई कम नहीं की। और हर चीज का महंगा हो गया, सिलेंडर गैस का दाम देख लीजिए 1200 से 1500 पहुंच गया, लेकिन महंगाई कोई चीज में कमी नहीं है। गरीब के थाली खाली हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेके नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपके भाई बेटा को 17 महीना मौका मिला तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम 17 महीना में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, तो 5 साल अगर हमको मौका दीजिएगा मुख्यमंत्री बना करके, तो कितने लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से पूछो तो लाखों में भी नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि जिसका नौकरी था वो भी खत्म हो गया सरकारी, क्योंकि सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। हवाई जहाज को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, 4 साल का ठेका बहाली कर दिया गया सेना में, BSNL बेच दिया। बताओ जहां भी नौकरी मिलता था, सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे में ना मिलता था, जवाने लोग के ना मिलता था सेना में, खत्म हो गया हर चीज। क्या कीजिएगा आप लोग? मोदी जी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कोई वादा नहीं पूरा किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, काम नहीं किया। जब तेजस्वी को मौका मिला 17 महीने, तो जितनी आंगनबाड़ी महिला थी, ममता आशा थी, जितने हमारे तालमी मरकज के लोग थे, टोला सेवक थे, विकास मित्र थे, सबके आय को दुगुना हम लोगों ने किया। हम लोगों ने जाति जनगणना कराने का काम किया और सभी लोगों के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। हम रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, ताकि लोगों का इलाज हो सके, दवा मिल सके, लेकिन भाजपा का एक भी मंत्री कोई किसी को देखे रात में घूमते हुए, छापा मारते हुए देखते हुए? दूधू को उप मुख्यमंत्री बन गया, एक तो हमारे ही यहाँ से गए, लेकिन कोई काम इन लोग नहीं कर रहा। ऊपर से नीचे सब लोग इन्हीं का, एनडीए का विधायक है, अरे मांझी जी के पार्टी का विधायक है ना रे भाई, एनडीए में ना, और एमपी उनका है, 3 बार से जीत रहा है लोग, 17 साल से नीतीश जी अब बीजेपी की सरकार है और 10 साल से भारत में इनकी सरकार है। आप पूछो अपने दिल पे हाथ रखे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, इन लोगों ने कौन सा परिवर्तन लिया है? कोई परिवर्तन नहीं लाया। मेरा मानना है कि इस बार चुनाव होगा लोकल के मुद्दे पर, क्षेत्रीय मुद्दे पर, इस बार क्षेत्रीय मुद्दा हावी रहेगा। ये देश का चुनाव है, लेकिन देश जो है गांवों से बनता है, राज्यों से बनता है, जिलाओं से बनता है, प्रखंडों से बनता है। तो जब तक आपके विकास आपके गांव में नहीं होगा,
आपके जिला में नहीं होगा, आपके प्रखंड में नहीं होगा, आपके राज्य में नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो जरा पूछिएगा, देखिएगा गांव में कौन मोदी जी इतना अच्छा अस्पताल बना दिए क्या? जाके देखिएगा आपके बाल बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बना दिए क्या? तेजस्वी था तो 3 महीने में बहाली पूरा करवा के नियुक्ति पत्र दिलवा दिया 5 लाख लोग को। और तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया बहाली जो निकलना था। अब तक हम रहे होते तो ये लोग बर्बाद कर दिया इतना महीना, सोचो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन जब से इनकी चाचा जी पलट गए, लेकिन हम ये बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां रहे वहां स्थिर रहे। एक बार चुन ले हेने रहे के बाकी होने जाए के बाद एक ही जगह लेकिन रहे। बताओ 3 साल हुआ, 3.5 साल बिहार सरकार को, बीच में ना हुआ था चुनाव, अगला नवंबर में ना चुनाव है अगला साल, तो 3.5 साल, 3.5 साल में बैठो ना तुम। काले एक कमांडो क्या कर रहे हो भाई? मानने वाला लोग मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आप लोग सोचिए कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि नीतीश जी इधर ही रहे या उधर रहे, तय कर ले लेकिन स्थिर रहे, लेकिन 3.5 साल में 3 बार ओथ ले लिए। बताइए हर साल ओथ ले रहे, इससे क्या बिहार का विकास होगा? क्या आप लोगों का भला होगा? और मोदी जी आते हैं यहाँ कहते हैं कि मेरा गारंटी बहुत मजबूत है। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा के गारंटी लेके दिखा दो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अब मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज वाला माल जैसा होता है, एक दो दिन चलेगा, एक दो बार इस्तेमाल होगा, खत्म हो जाएगा अंदर से खोखला। जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी का गारंटी रहेगा, जैसे चुनाव खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अमित शाह आएंगे बोलेंगे अरे तो चुनाव में जुमला बोला जाता है, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय नहीं है। लेकिन सिकंदरा की जनता से हम सब लोगों से अपील करते हैं, भाई जरा सोच और विचार के कीजिएगा। लोकल उम्मीदवार है चिराग पासवान, इतने 2 बार से सांसद रहे हैं, एक जमुई में एक अपना पार्टी का दफ्तर भी नहीं खोले, होटल में रहे सारा दिन, जब आना हुआ होटल में फिर निकल दिए। अब अपने जिज्जा जी को टिकट दिए तो भी होटल में, अरे रात में दिक्कत होगा तो कहां जाइएगा, किसके पास जाइएगा, केकरा ढूंढिएगा, कोई मिले वाला हो? तब मोदी जी का गारंटी याद आएगा, देखो हम फिर ठगा गए, समझे? अरे मोदी जी आप इतना बोलते हैं परिवारवाद परिवारवाद, तो चिराग जी रामविलास जी के बेटे हैं, उनका भाई चाचा भतीजा सब अब दमादों आ गए हैं राजनीति में। और चिराग जी कहते हैं कि हनुमान है, वहां परिवारवाद मोदी जी को नहीं लौका। हम जीतन राम मांझी उनका बेटा, उनकी समधा सब है, तब ठीक है। जगह जगह बीजेपी ने नवादा से विवेक ठाकुर को टिकट दिया है, सीपी ठाकुर जी के बेटे, और औरंगाबाद में भी जो कांग्रेस पार्टी में नेता थे उनका बेटा को टिकट दिया। सब जगह परिवारवाद वाले को टिकट बांट रहे हैं, और आकर के कहेंगे कि देखो परिवारवाद खत्म होना चाहिए। मोदी जी अगर परिवारवाद खत्म होना चाहिए तो आप अपने घर से अपने पार्टी से शुरू करो, और एफिडेविट के लिख के दो जनता को कि किसी भी नेता के बेटा को टिकट नहीं देंगे, किसी भी नेता वाला बेटा वाला पार्टी के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। काहे हम मांझी जी को चिराग पासवान जी को रखे हैं, और जहां जहां भाजपा को टिकट मिल रहा सब परिवार वाले लोग को टिकट मिल रहा। कथनी और करनी में अंतर है, ये झूठ बोलते हैं, इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। अभी रामनवमी आएगा, हम लोगों ने कलम बांटा
कितना परिवार का 5 लाख परिवार को हम लोगों ने उस घर में नौकरी दिया है, खुशी है, खुशहाल है। लेकिन रामनवमी आ रहा है, मोदी जी आएंगे फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हम तो कलम बांटे वो लोग तलवार बंटवाए। नौजवान को नुकसान नहीं, सबको नुकसान होगा, नफरत की राजनीति होगी। अगर दंगा फसाद होगा तो आपका भाई बेटा जेल जाएगा। फिर कराते रहिए बेल, अब बिना थाना में घूस दिए हुए होता नहीं है कुछ। हो आप परेशान, आपके माता बाबूजी, भाई बहन, पत्नी सब परेशान कि जेल चल गया लड़कवा, जेल चल गया, दंगा हो था, अब घूस मांगेगा पुलिस वाला, आप फिर कोर्ट कचहरी जाइएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगा 5 साल। अब मोदी जी फिर देखो नफरत फैला के राज करेंगे और आपको भोगना होगा। और जिसके घर में हमने नौकरी दिया, जो नौजवान का ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह हो गया, तो आपको कैसा सरकार चाहिए? नौकरी देने वाला कि कलम देने वाला कि तलवार देने वाला? हमन चैन कायम रहेगा, भाईचारा कायम रहेगी, तब हम लोग जो विकास कर सकते हैं। आपस में मिलके रहिए और अर्चना रविदास जी को भारी मतों से जिताइए, जिताइएगा ना? दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताइए, जिताइएगा ना? विजय के माला दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।